first LNG pump, which is going to change the total revolution in transport sector. And it's really a great pleasure and pride for me as a nationalist. I always thinking that we need to reduce import. The Atmanirbhar Bharat concept is how we can reduce the import and how we can increase the export. And in the rural area, we need to create more employment potential. That is the inspiration and motivation for me, because I always thinking on the line of socio-economic transformation. And that is the reason that the subject is touching to my heart. देश का 80% यातायात तथा 50% आवागमन वाहनों पर ही निर्भर है। इन वाहनों में प्रचलित रूप से डीजल या पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। भारत में डीजल का उपयोग पेट्रोल की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक किया जाता है। परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत वाहनों के कारण खासकर शहरों में भारी वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। इस खतरे को जान पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और पेट्रोल व डीजल की निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने 2019 में डीजल मुक्त विदर्भ का नारा दिया। पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की आयात पर लगने वाले लगभग 40,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए इलेक्ट्रिक, सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहन भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भविष्य होंगे, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। गडकरी जी ने अपने डीजल मुक्त विदर्भ के नारे की कथनी को करनी में साबित करते हुए विदर्भ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक बसों को सीएनजी पर चलने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर भी लॉन्च किया। आज के आधुनिक जमाने में सीएनजी का अगला कदम एलएनजी है। एलएनजी यानी द्रवित प्राकृतिक गैस, एक नया ईंधन है जो अत्याधुनिक तकनीक का नतीजा है। ये एक ऐसा प्राकृतिक गैस है जिसे -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से द्रवीकृत किया जाता है। रंगहीन तथा गंधहीन एलएनजी एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है जो बिल्कुल भी विषैला या कोरोसिव नहीं है। जून 2020 में भारत सरकार ने एक डी रेगुलराइजेशन अधिसूचना के तहत निजी संस्थानों को भी भारी ट्रक एवं अंतरराज्यीय बसों को एलएनजी सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया। एलएनजी योजना के तहत हाईवे किनारे स्टेशन बनाकर ट्रकों व बसों को प्राकृतिक गैस से चलाया जाएगा। इस योजना की आपूर्ति के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद में कार्यरत वैद्यनाथ जैसी कंपनी को निवेश के लिए राजी करने का महत्वपूर्ण कार्य श्री गडकरी जी ने किया। ये गडकरी जी के भरसक प्रयास वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा देश की उन्नति के प्रति कटिबद्धता का ही फलस्वरूप है जो नागपुर में देश का पहला एलएनजी आपूर्ति केंद्र यानी स्टेशन का निर्माण हुआ है। एलएनजी की प्रकृति ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए ये लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती है। ये डीजल से 30-40% सस्ती भी है और एक बार टैंक भरवाने के बाद ट्रक या भारी वाहन 600 से 700 किलोमीटर सफर कर सकते हैं। देश में अमूमन 1 करोड़ ट्रक हैं। अगर इनका 10% भी एलएनजी से चलने लगा तो इससे होने वाली बचत का अनुमान लगाया जा सकता है। पर्यावरण के लिहाज से ये गैस बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसें कम उत्सर्जित करती है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में एलएनजी का खर्च कम होता है। इसके अलावा एलएनजी ईंधन के इस्तेमाल के और कई लाभ हैं, जैसे ये एक स्वच्छ ईंधन है, इससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। एलएनजी की खपत बढ़ाने से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। एलएनजी डीजल की तुलना में लगभग 40% सस्ती है। ये वाहन के इंजन की क्षमता को बढ़ाता है। इस नई तकनीक से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण को साकार करने में भी मदद मिलेगी। इसे न सिर्फ बस या ट्रक में बल्कि खनन उपकरण, बंकर और डीजल रेलगाड़ी इंजन में भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के राष्ट्र के उत्थान के प्रति सजगता, अथक प्रयास और भविष्य को आंकने वाली विचारधारा का नतीजा है कि आज भारत की पहली एलएनजी सुविधा नागपुर में परिचालन के लिए तैयार है। ये सारे देश के लिए, विशेष तौर से विदर्भ क्षेत्र के लिए तथा नागपुर वासियों के लिए गर्व की बात है।
बैद्यनाथ समूह विदर्भ क्षेत्र में स्थायी, किफायती और पर्यावरण पूरक हरित ऊर्जा के लिए LNG सुविधाओं को बढ़ाएगा। नई पीढ़ी का ये ईंधन देश की उन्नति को बढ़ावा देते हुए नागपुर के कई ट्रांसपोर्टरों के चेहरे पर समाधान की मुस्कुराहट लाएगा, ये सुनिश्चित है।